अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो कल भी मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तो आज हम लोग एक नया ब्लॉग बनाते हैं। चलो एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सारे कबूतर, देखो मेरे को देख के सारे कबूतर मेरे यहाँ पे आके खड़े हो गए। तो इन लोगों को अभी डालते हैं हम लोग सबसे पहले दाने, फिर वहाँ से हम लोगों को बतख को भी खोलना है। इसे देखो ये कैसा ऊपर चढ़ के बैठी हुई है, ये वही मेरा लकवे वाला कबूतर है। आओ 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 आओ, ये देखो आओ आओ करते साथ ही। इन लोग इतने भूखे हो रखे हैं, ये देखो ये भी काफ़ी भूखा है। देखो इसको भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, देखो कैसे खाना शुरू कर दिया। बट ये ऊपर गिरा रहा है, इसको नीचे चल लेके चलते हैं। पहले इन लोगों को डाल दूँ। देखो सारे कबूतर मेरे खाना शुरू कर दिए हैं। चलो देखते हैं ज़रा हमारे फैंटेल का क्या हाल है। दोनों फैंटेल क्योंकि बाहर आ गए हैं, इसने अंडे का क्या हाल है देखते हैं ज़रा। ये देखो इसके अंडे अभी भी माशाल्लाह वैसे के वैसे ही है। और हमारी मुखी जो है, मुखी बाहर नहीं आती है अंडे को छोड़ के, मुखी अंडे के पास ही रहती है। देखो दोनों अंडे पर बैठी हुई है। और खैर ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये अंडे के दोनों छोड़ के बाहर आ गए। भूख इन लोगों को लगी थी तो दोनों बाहर आ गए। और ये देखो भाई इसको अपने हाथ से कैसे चने खिला रहे, सभी के सभी देखो अच्छे से खा रहे हैं। और वहाँ से हमारी मुर्गी दोनों हमको कैसा देख रही है। देखो भूख उसको भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ये देखो ये देखो। तो मुर्गी को भी हम लोग कुछ डालते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इन लोगों के लिए खाना रेडी रखा हो, ये मुर्गी के लिए और ये खरगोशों के लिए। तो चलो मुर्गी के लिए डालते हैं हम लोग यहाँ पर। ओए पीछे 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 पीछे, बाहर नहीं आना है। अभी सब खाना खा रहे हैं, अगर ये बाहर आ गई। ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो मतलब शैतानों की तरह टूट पड़ती है। ये देखो दोनों की दोनों, ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तंदुरुस्त हो गई है, एकदम फूक सी गई है, बहुत ही प्यारी सी है। बाकी ये ब्लैक वाली देखो इतनी वो नहीं है, थोड़ी दुबली पतली सी है। ये पंजाबी मुर्गी है, ये वाली बहुत माशाल्लाह मोटी मोटी सी हो गई है। लेकिन ये जो ब्लैक वाली मुर्गी है ना, इसमें ये वाली मुर्गी से ज़्यादा फुर्ती है। ब्लैक वाली मुर्गी ऐसा स्पीड में भागती है, लेकिन ये ज़्यादा भाग नहीं पाती है क्योंकि ये थोड़ी हेल्दी है, फुगी फुगी सी है इस वजह से। खैर वहाँ से हमारे खरगोश भी हमें देख रहे हैं, तो हम लोग इनको बंद करके, ये देखो आधे से ज़्यादा तो नीचे गिरा दिया इन लोगों ने, आधे से ज़्यादा तो नीचे गिरा दिया। खैर इन लोगों को हम लोग करते हैं बंद, ये लोग खाएंगे, इन लोगों को बाद में आराम से खोलेंगे। अभी हम लोग हमारे खरगोशों को डालते हैं थोड़ा सा दाना। ये देखो इन लोग के लिए पालक लाया था मैंने खरगोशों के लिए, ये देखो एक टुकड़ा। भूख तो लगी है गाइस इन लोगों को बहुत ज़्यादा, तो इन लोगों को हम लोग यहीं से डालते हैं पालक। ये देखो सारी की सारी पालक मैंने यहाँ से डाल दिया अंदर। और ये हो गया है इन लोगों का खाना शुरू, ये देखो किस तरह खा रहे हैं ये लोग, ये देखो माशाल्लाह बहुत आराम से खा रहे हैं। गाइस ये वाइट वाला खरगोश और वो वाला खरगोश, ये दोनों खरगोश मैं हमारे एक भाई है उनको देने वाला हूँ, और साथ में मेरा एक मादी कबूतर है वो भी देने वाला हूँ उन्हें। तो आज नहीं कल दूंगा उनको। बाकी ये देखो ये माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है इन लोग खाते हुए। तो गाइस हम हमारी बतख को भी खोल लेते हैं। ये देखो यहाँ पर बतख रेडी है। और ये हमारा फैंटेल का बच्चा यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, ये दोनों बच्चों को भूख लगी होगी। खोलो पहले बतख को, खोलो, ये लोग जाके अपना वहाँ पर खाएंगे आराम से। इसके पैर में माशाल्लाह ज़ख्म था, अब सही हो चुका है। देखो आराम से चल रहा है, मतलब स्पीड से जहाँ भाग नहीं पा रहा है लेकिन चल पा रहा है, इतना तकलीफ नहीं है उसे। तो गाइस मेरा फैंटेल ये देखो यहाँ पर है, तो इसको लेके जाते हैं हम लोग वहाँ पर खाने के लिए, उधर लेके जाके उन लोग को डालेंगे। भाई उसको फैंटेल को ले लो आराम से, ये देखो फैंटेल को भी ले लो, उसको भी ले लो, दोनों को भूख लगी होगी। इसकी आँख क्यों बंद बंद दिख रही है, दिखा? इसे इसने ना कल बड़े वाले चूजे, वो वाली आँख दिखा, वो वाली आँख बंद कर रहा है। कल कल ना बड़े वाले चूजे ने ये वाली आँख में इसकी तकलीफ हो रही है। बड़े वाले चूजे ने मारा था इसको आँख पे। अरे यार बेचारी की आँख देखो खुल नहीं रही है, ये वाली आँख देखो प्रॉपर खुली हुई है, बट ये वाली आँख खुल नहीं रही है। देखो इसकी
खैर ये वाला तो हमारा माशाल्लाह है, चलो इसकी आंखों में थोड़ा ड्रॉप डाल देते हैं हम लोग वहाँ। चलो पहले इन लोगों को इसको कुछ खिला देते हैं, फिर ड्रॉप डालेंगे हम लोग। तो गाइस हम लोग ने लेके आ गए हैं यहाँ पे, अभी इन लोग को यहाँ पे छोड़ रहे हैं। इन लोगों को फिर भूख लगी तो इन लोगों को फिर डालते हैं। पूरे दाने तो इन लोग ख़त्म कर चुके हैं मेरे सारे कबूतर। आओ 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 आओ, वो देखो यार वहाँ पे देखो गाइस माशाल्लाह, ये देखो मेरे वाइट वाइट सारे कबूतर एक तरफ जमा है। ये देखो माशाल्लाह कितने प्यारे से लग रहे हैं। देखो वहाँ पे तीनों भी मकवे हैं और यहाँ पे ये फेंटेल और वो वाइट वाला, माशाल्लाह एक साथ क्या प्यारे लग रहे हैं, सब वाइट वाइट कलर के, बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं। खैर इन लोगों को यहाँ पे और दाने डालते हैं, इन लोगों को भूख तो लगी और बहुत, तो इन लोगों को और थोड़े दाने डाल देते हैं हम लोग। ये देखो आओ 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 आओ, हाँ इसके अंडे तो मैंने पहले ही देख लिया था, निकालो ज़रा इसको बाहर देखेंगे इसको। तो गाइस ये देखो इसके भी, इसने भी दो अंडे दिए हैं। ये मेल है, ये मेल वाला है, इसकी जो फीमेल है वो वाइट कलर की है, तो वाइट और ब्राउन चॉकलेटी कलर दोनों मिक्स कलर है, और दो अंडे दे चुके हैं इन लोगों ने। इसकी जो फीमेल है देखो ये वाली है उसकी फीमेल, ये वाली फीमेल है इसकी, ये वाली। गाइस बाकी इन लोग देखो आराम से अभी खा रहे हैं, मुर्गियों का खा के हो चुका है लेकिन इन लोग का पेट अब भी भरा नहीं है पूरा। देखो गाइस प्लेट देख रहे हो आप लोग, एक दाना भी नहीं बचा है अंदर पूरा, मतलब इन लोगों ने क्लीन कर दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं मुर्गियों को, तो कंटिन्यू भूख लगते ही रहती है। खैर ये देखो यहाँ पर मेरे कबूतरों को दाना डाला, वहाँ पर जंगली भी आ गए सारे के सारे, तो थोड़ा और दाना डाल देते हैं। आओ आओ आओ, शिराजी की मादी हाँ। कौन सी वाली? ये देखिए भाई वो वाली, ये इसके मादी, ये ब्लैक वाले की हाँ। अच्छा इसकी मादी तो ये वाली है ना हाँ। तो गाइस ये वाली ये मादी है और ये हमारा, ये मेल शिराजी है और ये फीमेल शिराजी है, इन दोनों का जोड़ लगा था। तो ये लोग गाइस अंडे देने वाले, इन लोगों का घर यहाँ है, एक बार देखते हैं हम लोग जरा। नहीं अंदर तो पूरा खाली है फिलहाल, अभी तक तो अंडे इन लोगों ने दिए नहीं है, अभी तक इन लोगों ने अंडे दिए नहीं हैं, बाकी इन लोग अंडे देंगे जल्दी। ये देखो यहाँ पे है दोनों के दोनों, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, इन दोनों की जोड़ लगी हुई है। ये देखो दूसरा ब्लैक वाला हमारा शिराजी यहाँ पे बैठा हुआ है। भाई मैं इन लोगों का दाना पानी चेंज कर दूँ? हाँ इन लोगों कर दो, चेंज कर दो दाना पानी, इन लोग भी भूखे हो गए ना। हाँ पानी तो साफ है वैसे, लेकिन फिर भी चेंज कर दो। तो गाइज मेरे दोनों के दोनों फेंटेल, देखो ये फीमेल फेंटेल है और ये उसका बच्चा है, दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे से लगते हैं। ये देखो एकदम खूबसूरत से लगते हैं दोनों के दोनों। और ये देखो ये बच्चा जो खाता नहीं था, वही चॉकलेटी और वाइट कलर वाले जो है ना, ये देखो इसका ही बच्चा है ये वाली का। देखो माशाल्लाह अभी खाना शुरू कर दिया और अब खा रहा है अपने आप से, वरना ये बिल्कुल भी नहीं खाता था कम, हमेशा मतलब ना ये माँ या इसके मेल या फीमेल जो इसके माँ बाप है उसके मुँह से खाता था, खा नहीं पाता था। इसके साथ एक और वाइट वाला भी था जो कि देखो वहाँ पे बैठा हुआ, ये देखो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों जो है ना बिल्कुल भी खा नहीं पाते थे अपने हाथ से अपने मुँह से, तो इन लोगों को ना बार बार वो मेल और फीमेल जो है इनके माँ बाप वही खिलाते थे, बाकी इन लोग खुद से नहीं खाते थे। बाकी फेंटेल चेक करो गाइस मेरा, ये भी फीमेल है फेंटेल, इसकी आंखों का कुछ इलाज करता हूँ मैं, इसकी आंखों में ड्रॉप डालूंगा। तो गाइस मेरा जो फेंटेल है ना ब्लैक वाला, ये बच्चा, तो इसकी आंखों में जिसने अटैक किया था जिस चूजे ने, उसको अभी तलहा लाएगा पकड़ के, तलहा लेके आना उसको पकड़ के, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना सा चूजा है, उसने इतने बड़े फेंटेल को मारा और बहुत बुरी तरह मारा। तो गाइस ये है वो, ये इतना सा है नहीं ये, और इसने मतलब इतने बड़े फेंटेल के बच्चे को मारा। ये देखो इसको नीचे छोड़ूंगा तो भी दिखेगा भी नहीं, ये देखो इतना सा है ये, ये देखो, और सारे कबूतरों को मारता है। हाँ ये बिल्कुल भी मतलब वो नहीं, ये देखो छोड़े तो कैसा मतलब पागल चले करने लगता है, सबको मारने लगता है। अब देखो वहाँ चले गए, वहाँ पर बदकों को नहीं मारता है, बाकी ये सिर्फ कबूतरों को मारता है, कबूतरों को परेशान करता है। गाइस चेक करो वाइट सारे फेंटेल और मेरे मकवे सारे एक साथ बैठे हुए हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो गाइस हमारा तो फेंटेल है देखो यहाँ बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग अभी पकड़ेंगे और इसकी आँख में देखो ये वाला ड्रॉप मैंने लिया हूँ, इसकी आँखों में ये ड्रॉप डालेंगे। तो गाइस ये देखो इसकी आँखों को इसने बिल्कुल भी खोला नहीं है, आराम से इसकी आँख खोलना, तला आँख खोलेगा तभी तो अपन डाल पाएंगे ना ड्रॉप। भाई मैं बैठ जाता हूँ पहले। हाँ आराम से बैठो, उसको आँख खोलो इसकी, आराम से आँखों को आराम से खोलो, इसकी आँख में ड्रॉप डालना है ना हमें। ये देखो गाइस
एक ड्रॉप डाल दिया हूँ मैंने इसमें आँखों में इसकी इसकी आँखों में देखो काफ़ी तकलीफ हो रही थी, खोल नहीं पा रहा था, इसकी आँखों में मैंने अभी ड्रॉप डाला है। हाँ, दो मिनट इसको ऐसे रखो, बस इसको छोड़ दो, अभी नीचे छोड़ो, अभी देखो घूमेगा अभी ये देखो गाइस, इसको छोड़ दिया हम लोगों ने तो ये निकल गया है यहाँ से, अभी देखो। तो गाइस फाइनली ये देखो, यहाँ पे दोनों मकवे जो मैंने लाया था, इन दोनों की गाइस जोड़ बनने वाली है। मतलब लाया तो मैंने जोड़ में ही था, पर ये गुटक नहीं रहते एक दूसरे पे, तो अब फाइनली इन लोग गुटकना शुरू कर दिए है। वो वाला देखो, वो वाला मेल है और ये वाली फीमेल है। तो गाइस हमारी जो बदक है, बदकों का पेट भरता ही नहीं है, कब से कंटिन्यू है देखो यहाँ पे घूम रहे हैं ये लोग और कंटिन्यू। ये देखो ये इसका ये पैर पे आपको दिख रहा होगा, देखो जख्म दिख रहा है इसके पैर पे, यहाँ पे चोट लगी हुई है, तो इस वजह से ये खा पी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, तो अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है, तो अभी देखो आराम से यहाँ अंदर ही बैठ के खा रहा है, अभी थोड़ा बहुत चल भी पा रहा है। बाकी ये देखो ये कैसा पानी पी रहा है आराम से। ये हमारा लकवे वाला कबूतर है जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, अभी तो मतलब लकवा हो गया तो थोड़ा नॉर्मल हो गया है, बाकी पहले इतनी मस्ती करता था। और ये देखो इन लोग खा रहे हैं आराम से, तो इन लोगों को खाने देते हैं हम लोग आराम से। तो गाइस तलहा भाई ने यहाँ पे इन लोगों का दाना पानी चेंज कर दिए, और चेक करो इन लोगों को माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखो अंदर ही अंदर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इन लोगों ने अभी तक अंडा नहीं दिए है, और ये यहीं पे हमारे लव बर्ड्स भी है, इन लोगों का भी दाना पानी चेंज हो चुका है। देखो माशाल्लाह अंदर कितने प्यारे से लग रहे हैं दोनों के दोनों। ये देखो हमारे बदक देखो यहाँ पे आए हैं, तो मुर्गी कैसा उनको मारने के लिए आ रही है। ये देखो। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।